हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्यूरी शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे AIFF वर्सेस इगोस्ट मैच के बीच में जो ड्रामा चल रहा है, उसमें फाइनली यहाँ पे AIFF की ओर से रिसेंटली जो यहाँ पे इगोस्ट मैच ने दो तीन दिन पहले AIFF ऑफिशियल्स एंड AIFF के ऊपर जो एलिगेशन लगाए थे उनका रिस्पांस आ चुका है। एंड क्वाइट इंटरेस्टिंगली यहाँ पे उन्होंने सेंसिबल तरीके से जितने भी एलिगेशन थे उनको यहाँ पे काउंटर पॉइंट किया है। एंड उसमें दो तीन इंटरेस्टिंग रिविलेशन भी उन्होंने किया है रिगार्डिंग इगोस्ट मैच। तो सबसे पहला तो जो यहाँ पे टर्मिनेशन क्लोज वाला जो सारा यहाँ पे ड्रामा चल रहा है, जिसमें इगोस्ट मैच ने बोला कि भाई मैंने ही बोला था इसको हटाने के लिए, उसमें यहाँ पे AIFF ने क्लियर बोला है कि जब अक्टूबर 2023 में उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया गया, उस टाइम पे यहाँ पे जो कोर कमिटी थी कि जिसमें यहाँ पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट एन हरीश और वो सब थे, उन्होंने यहाँ पे साजी प्रभाकरण को, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का सारा मैटर था वो यहाँ पे खुद जो कि इगोस्ट मैच ने बोला है कि भाई साजी प्रभाकरण यहाँ पे हैंडल कर रहे थे, तो उनको यहाँ पे कोर कमिटी ने ईमेल करके बोला कि भाई आप यहाँ पे इगोस्ट मैच का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कीजिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनकी उनको दो साल का कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, $30,000 पर मंथ यहाँ पे उनको सैलरी आप दे सकते हैं, एंड प्लस आप एक ऐसा टर्मिनेशन क्लोज इसमें ऐड कीजिए कि जो यहाँ पे AIFF के फेवरेबल हो, यानी कि 3 महीने का आप कंपनसेशन पे करके आप उसको हटा सके, इस तरह का क्लोज जो कि यहाँ पे पिछले वाले कॉन्ट्रैक्ट में भी था ही। तो इस तरह का रिकमेंडेशन यहाँ पे सिर्फ कोर कमिटी ने दिया था। इसके बाद यहाँ पे जो उस टाइम के यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सेक्रेटरी जनरल यानी कि साजी प्रभाकरण एंड उस टाइम पे यहाँ पे लीगल हेड जो थे निलंजन भट्टाचार्य, जो कि दोनों एट द मोमेंट यहाँ पे AIFF में नहीं है, दोनों को निकाल दिया गया है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट किया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली लीगल एडवाइस आपको चाहिए। तो उसमें इन लोगों ने ये टर्मिनेशन क्लोज इस तरह का नहीं ऐड किया, ये इसका सिंपल सा मतलब ये होता है जो AIFF ने इस स्टेटमेंट में लिखा है। एंड दूसरा चीज कि यहाँ पे जो नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया गया था इगोस्ट मैच को, उसमें यहाँ पे जनवरी 2025 से यहाँ पे सैलरी $30,000 से $40,000 हो रही थी, वो भी यहाँ पे कोर कमिटी ने रिकमेंड नहीं किया था, ये इन दोनों ने मिलके यहाँ पे किया होगा, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है। तो ये एक बड़ा शॉकिंग रिविलेशन है कि जहाँ पे जो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी, फॉर्मर आपके लीगल एडवाइजर एंड इगोस्ट मैच, इन तीनों के ऊपर यहाँ पे AIFF ने एक बड़ा एलिगेशन या फिर एक बड़ा यहाँ पे ट्रूथ बम जो भी आप बोल लीजिए इसको यहाँ पे उन्होंने ड्रॉप किया है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग है कि ये तीनों में से यहाँ पे फॉर्मर लीगल हेड निलंजन भट्टाचार्य, साजी प्रभाकरण एंड इगोस्ट मैच की ओर से इसके रिगार्डिंग क्या यहाँ पे क्लेरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन आता है वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। अदरवाइज ये यहाँ पे प्रूव होता है, अगर ये कोई रिस्पांस नहीं देता तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इन तीनों का ही मिलजुल के ये जो टर्मिनेशन क्लोज हटाना है, सैलरी बढ़ाना है, उसमें कहीं ना कहीं रोल रहा है, जिसमें AIFF ने काफी क्लियर कट कर दिया। एंड जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उसमें सेक्रेटरी जनरल की साइन से ही हुआ है, उसमें बाकी किसी की साइन नहीं लगी है, ये भी यहाँ पे उन्होंने इनडायरेक्टली यहाँ पे बोला है। सो दिस इज अ रिगार्डिंग टर्मिनेशन क्लोज। दूसरा यहाँ पे जो इगोस्ट मैच ने बोला था कि भाई मेरा कोई यहाँ पे वर्किंग रिलेशनशिप था ही नहीं यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट के साथ, तो यहाँ पे AIFF ने क्लियर बोला है कि जब से नया AIFF रिजिम आया है उसके 18 महीने में 5 बार कल्याण चौबे यहाँ पे इगोस्ट मैच से मिले हैं, सारे यहाँ पे उन्होंने वेन्यूज भी बताया कि कौन कौन से वेन्यू पे वो मिले हैं। उसके अलावा यहाँ पे उनको खुली छूट दी गई थी कि आप कभी भी किसी भी AIFF ऑफिशियल से कभी भी बात कर सकते हो, कभी भी उनको अप्रोच कर सकते हो, अगर आपको नेशनल टीम के रिगार्डिंग या फिर कोई भी मैटर में आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि क्लेरिफिकेशन या फिर जो भी चाहिए एडवाइस व्हाट एवर यू कॉल इट यहाँ पे कुछ भी चाहिए। दूसरा यहाँ पे कि आपको जितना भी उनको एक खुला हैंड दिया गया था नए AIFF के रिजिम की ओर से, उन्होंने क्लियरली बोला कि हमने यहाँ पे इगोस्ट इमेज को एक यहाँ पे नेशनल टीम के रिगार्डिंग एक यहाँ पे क्या बोलते हैं कि क्लियर कट पावर दी गई थी कि आप जो भी सपोर्टिंग स्टाफ चाहते हैं, आप जो भी वेन्यूज चूज करना चाहते हैं नेशनल टीम के लिए, आप जितने भी दिन का कैंप चाहते हैं, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे हमारी ओर से मैक्सिमम तरीके से ट्राई आउट हो सके वो यहाँ पे हमने देने की कोशिश की है। एंड हमने कभी भी ये नहीं रखा कि भाई यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ये नहीं देंगे। उन्होंने डेफिनेटली GPS के बारे में माना कि भाई वहाँ पे वो जब एयरलाइन से मिसिंग हो गया तो उसके बाद हमने उसको रिकवर करने की कोशिश की, क्योंकि वो इतने एक्सपेंसिव थे कि अगर रिकवर हो जाते तो आप नए में डेफिनेटली खर्चा नहीं करना चाहते थे, बट इवेंचुअली जब वो रिकवर नहीं हुए तो उसके बाद हमने यहाँ पे तुरंत उसका नया ऑर्डर किया और उसके आने के बाद तुरंत टीम को अवेलेबल करवा दिया था। उसमें उन्होंने बोला कि 200 डेज जरूर पास आउट हुए हैं, बट उसमें से 50 डेज ही ऐसे थे कि जहां पे टीम ने खेला है या फिर ट्रेनिंग की है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इफेक्टिवली आपके 50 दिन ही आपकी टीम यहाँ पे GPS वेस्ट एंड उसके बिना रही है, उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है। दूसरा यहाँ पे जो ट्रैवलिंग का जो सारा मसला था अफगानिस्तान से यहाँ पे गुवाहाटी तक का, उसमें भी उन्होंने बोला कि हमने यहाँ पे इगोस्ट इमेज के साथ प्रायर ही यहाँ पे कम्युनिकेशन कर लिया था कि यहाँ पे चार्टर्ड फ्लाइट का अरेंजमेंट नहीं हुआ है और किस तरह से आपका ट्रैवलिंग रहने वाला है हमारी टीम का, ऐसा नहीं था कि यहाँ पे उनको बताया ही नहीं गया था, बिल्कुल यहाँ पे टीम मैनेजर के थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेशन हो चुका था। तो वो दोनों चीज़ें भी यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर लिए। तीसरी जो एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो अभी तक यहाँ पे क्या बोलते हैं डिस्कशन में उतनी नहीं आती थी, हमने तो काफी बार इसको यहाँ पे मेंशन किया है ड्यूरिंग द लाइव, वो है यहाँ पे कि भाई प्लेयर भी यहाँ पे इगोस्ट में से खुश नहीं थे और वो इस स्टेटमेंट में उन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पे AIFF ने बोला है कि जब हमने टेक ओवर किया तब यहाँ पे
उससे पहले ईगो स्टेमिच, क्योंकि 3 साल से यहाँ पे नेशनल टीम के कोच थे, तो उस टाइम पे ये जो खबरें थी एस्ट्रोलॉजर से टीम सिलेक्शन होती है और वो सारी चीजें, वो हम भी जान के यहाँ पे शॉक हुए थे। एंड उस हमारे आते ही हमने पहले तो वो चीज़ बंद करवाई कि ऐसे एस्ट्रोलॉजर से कोई टीम सिलेक्ट नहीं होगी। दूसरा यहाँ पे उन्होंने बोला कि काफ़ी सारे प्लेयरों ने जो भी यहाँ पे सपोर्टिंग स्टाफ ईगो स्टेमिच चूज करते थे, गोलकीपिंग कोच या फिर फ्री किक कोच, वट एवर यू कॉल इट, उन सबको भी उससे भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो काफ़ी सारे प्लेयर थे वो खुश नहीं थे। उसके अलावा यहाँ पे उसकी प्लेइंग स्टाइल, उसकी ट्रेनिंग्स, उसके बारे में भी काफ़ी प्लेयरों ने यहाँ पे AFF को काफ़ी बार कंप्लेन किया था। बट क्योंकि AFF यहाँ पे चाहता था कि भाई यहाँ पे हमारा जो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का जो प्रिपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं कोई यहाँ पे डिस्ट्रेक्शन ना आए, इसलिए यहाँ पे हमने उस बारे में उतना नहीं ज़्यादा बोला। और ईगो स्टेमिच ने जो एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई मेरे को अभी तक एक ही 5 साल में जो एक ही अच्छा काम AFF की ओर से हुआ है वो वही हुआ है कि मेरे को 5 साल चुप रखा, जबकि AFF ने बोला कि आपने तो बार बार यहाँ पे बीच बीच में ऐसे स्टेटमेंट देते रहे, बट हमने उनको इग्नोर किया है क्योंकि हम चाहते थे कि आप पूरा फोकस यहाँ पे नेशनल टीम के रिगार्डिंग किए। तो ये जो प्लेयरों ने भी जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एलिगेशन लगाए हैं रिगार्डिंग इस प्लेइंग स्टाइल, रिगार्डिंग इस ट्रेनिंग सेशंस, रिगार्डिंग कोचिंग स्टाफ, जो मैंने तो कई बार आप सबको बोला कि ये खुद प्लेयर ऐसा बोलते हैं, सो वो यहाँ पे एक बड़ा शॉकिंग रिविलेशन है रिगार्डिंग कोच, क्योंकि नेशनल टीम के कोच के पर्सपेक्टिव से इस चीज काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आई वुड से। उसके अलावा यहाँ पे रिगार्डिंग एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो रिविलेशन किया है वो है यहाँ पे कि लास्ट मंथ मई में ही यहाँ पे एक AFC की जो नेशनल कोचिस है उनकी एक मीटिंग हुई थी, जहाँ पे ऑब्वियसली इंडिया की ओर से ईगो स्टेमिच ने रिप्रेजेंट किया था, तो उन्होंने वहाँ पे भी इंडिया को बदनाम करने की कोशिश की, ऐसा AFF का एलिगेशन है। उन्होंने वहाँ पे सभी कोचिस को AFC की उस मीटिंग में बोला कि भाई मेरे को तो सिर्फ 4 मेंबर का ही सपोर्टिंग स्टाफ मिलता है, जबकि AFF ने क्लियर किया कि जब भी यहाँ पे कोई भी प्रिपरेशन कैंप लगा है उस टाइम पे 13-16 मेंबर का यहाँ पे ईगो स्टेमिच को सपोर्टिंग स्टाफ दिया गया है। बट ईगो स्टेमिच ने क्या गनवाया, सिर्फ यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट, आपके असिस्टेंट कोच और उन्हीं को, बाकी जो ट्रेनिंग स्टाफ दिया गया उनको उन्होंने बेसिकली उन्होंने सिंपथी पाने की कोशिश की बाकी कोचिस से कि भाई देखो ये बंदा इतने बड़े कंट्री में यहाँ पे सिर्फ 3-4 कोचिस के साथ ही यहाँ पे 3-4 सपोर्टिंग स्टाफ के साथ ही यहाँ पे काम कर रहा है। तो वो भी उन्होंने बोला कि उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया को वहाँ पे बेड लाइट में रखने की कोशिश की गई है। एंड उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ काफ़ी सच बोलिए, आई थिंक चाहे AFF को हम बाकी चीज़ों में यहाँ पे डेफिनेटली क्रिटिसाइज करते हैं, बट एक उन्होंने बोला है कि आप 5 साल से वो कोच थे, इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे एंड एक इतने पावरफुल बंदे थे कि जो नेशनल टीम का जैसे बोला कि सारा कमान उनको यहाँ पे सौंपा गया था डिसीजन का और सारा। एंड उसके बाद भी उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे आपने जो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का रिजल्ट नहीं आया तो सारा ब्लेम आपने सिस्टम के ऊपर डाल दिया। वो फैंसी लगता है कि भाई सिस्टम के ऊपर ब्लेम डाल देना, बाकी प्लेयरों के ऊपर ब्लेम डाल देना या फिर कोई और के ऊपर ब्लेम डाल देना, बट खुद ने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। वो यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे आप बोल सकते हैं मिसफॉर्चून या फिर अनफॉर्चुनेट थिंग आई वुड से की है। सो आई थिंक वो बिल्कुल सही बात है। ईगो स्टेमिच ने यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं बोला कि भाई ये मेरा भी फेलियर है। आप देखिए जितने भी उनके आफ्टर सेकिंग स्टेटमेंट देख लीजिए उसमें एक भी बार उन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि ये भाई ये मेरा भी फेलियर है, यहाँ पे सिर्फ AFF का या फिर प्लेयरों का या फिर बाकी लोगों का नहीं है। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी 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 ट्रू पॉइंट। एंड लास्ट में उन्होंने बोला है कि ईगो स्टेमिच ने यहाँ पे जो 6 जून को कुवैत के सामने गेम था उससे 3 दिन पहले उनके लॉयर के थ्रू यहाँ पे AFF को एक लीगल नोटिस भेजा था, जहाँ पे उन्होंने 2023 में यहाँ पे AFF ने जो उनका एक स्टेटमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग कि भाई उन्होंने AFF ने ऐसा स्टेटमेंट अपने प्रेस रिलीज में डाला था कि भाई ईगो स्टेमिच ने यहाँ पे थैंक यू बोला है AFF NFSDL को कि भाई उन्होंने यहाँ पे प्लेयर को रिलीज किया फॉर द एशियन गेम्स, जो कि यहाँ पे एक छोटी सी मैटर थी उनको यहाँ पे उन्होंने क्योंकि वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जाना चाहते थे इसलिए यहाँ पे इस तरह का नोटिस उन्होंने भेजा है। इस तरह का यहाँ पे AFF का कहना है कि ऐसी छोटी बात को जिसमें मतलब उन्होंने बेसिकली ये कह रहे थे कि भाई उनका नाम मेंशन नहीं करना था एंड यहाँ पे उनको 3 दिन पहले इतने इंपॉर्टेंट मैच से 3 दिन पहले यहाँ पे लीगल नोटिस भेज रहे थे वो, क्योंकि वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जाना चाहते थे। दूसरी साइड यहाँ पे अपने AFF ने ये भी क्लियर कर दिया कि जो ईगो स्टेमिच बोल रहे थे कि भाई मैंने तो रुकने के लिए बोला था 10-15 दिन और उसके बाद अगर टर्मिनेट करते तो कंपनसेशन फी नहीं पे करना पड़ता, तो उसमें ईगो क्या बोलते AFF ने बोला है कि भाई हमने तो यहाँ पे म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट पार्टेड वेस्ट करने के लिए बोला था, बट ईगो स्टेमिच ने सामने यहाँ पे क्या बोलते कि जो डिमांड पूरी ना हो सके ऐसी डिमांड उन्होंने रख दी, तो इसलिए हमें इवेंचुअली उसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे टर्मिनेट करना पड़ा। एंड दूसरी साइड हमें यहाँ पे सितंबर में फ्रेंडलीज भी खेलने हैं, तो उससे पहले हमें यहाँ पे एक नया कोच का पूरा प्रोसेस खत्म करना चाहते थे, तो हमारे लिए यहाँ पे ज़्यादा वेट करना यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वाइज मूव या फिर एक सेंसिबल डिसीजन नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उस लेटर में मेन जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे उन्होंने क्लियर की। आप पूरा क्या बोलते हैं कि स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हैं एंड आई थिंक एक सेंसिबल आंसर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पे AFF की ओर से देने की कोशिश की गई है। एंड जो काउंटर पॉइंट भी है मेरे को लगे कि वो यहाँ पे लॉजिकल है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फिर सिर्फ एलिगेशन है विथ प्रूफ एंड एक यहाँ पे टाइमलाइन या फिर क्रोनोलॉजी को अगर आप समझ रहे हैं पूरा आप इस मैटर को यहाँ पे कवर कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये जो सारे पॉइंट्स है वो फिट होते हैं।
जिस तरह से पूरी डेवलपमेंट हुई इसमें अगर आप इगो स्टेमेंट के भी काउंटर स्टेटमेंट या फिर उनके भी जो स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे लिंक करके यहाँ पे लॉजिकल अगर आप कंक्लूजन पे आएंगे तो आई थिंक मोस्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर राइट स्टेटमेंट्स। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे ये इगो स्टेमेंट्स ने भी काफी बड़ा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि झूठ या फिर अपना जो फेलियर है उसको छुपाने की कोशिश की है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एफ कंप्लीटली क्लीन है, उन्होंने तो अपनी ओर से ये जो पूरा डिसीजन मेकिंग या फिर जो पूरा प्रोसेस है उसमें तो डेफिनेटली उनकी ओर से फॉल्ट हुए ही है, बट आई थिंक इगो स्टेमेंट्स के जो अपनी एक इमेज बचाने की कोशिश कर रहे थे या फिर जो बाकी लोग यहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट एक्सटेंशन से हट रहे थे कि भाई हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, उनके ऊपर अब काफ़ी ज़्यादा सीरियस क्वेश्चन रेज होते हैं। लेट मी नो गाइस आपका क्या इसके बारे में ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे नए कोच के बारे में, तो उसमें एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली देयर विल बी नो इंडियन कोच की जो यहाँ पे अप्लाई करेगा फॉर दिस न्यू कोच जॉब, क्योंकि यहाँ पे खालिद जमील का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन जमशेदपुर एफसी के साथ हो चुका है। एंड इसका सिंपल सा मतलब ये है कि खालिद जमील इज वन ऑफ दी यू कैन से कि फ्यू इंडियन कोचेस की जो यहाँ पे एट द मोमेंट नए कोच का क्राइटेरिया निकाला है उसमें फिट होता है। तो अगर उन्होंने यहाँ पे 2 साल का जमशेदपुर एफसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर लिया है, इसका मतलब है कि अब यहाँ पे इंडिया में कोई ऐसा कोच नहीं है इंडियन कोच की जो यहाँ पे इस क्राइटेरिया में आए कि भाई जिनको पास 10-15 साल का टॉप लेवल क्लब एक्सपीरियंस या फिर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वाले तो है ही नहीं हमारे पास, बट टॉप लेवल क्लब यहाँ पे के लेवल पे अगर आप देखें तो उस हिसाब से भी आप देखें कि हमारे पास आई डोंट थिंक सो कि 10-15 साल इतना ज़्यादा कोचिंग एक्सपीरियंस टॉप लेवल क्लब में यहाँ पे किसी के पास है। सो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई भी इंडियन कोच यहाँ पे मे बी इस एप्लीकेशन नहीं डालेगा फॉर दिस न्यू कोच जॉब, एंड आई थिंक इट विल बी अ फॉरेन कोच जो यहाँ पे अपॉइंट होगा। उसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका वो भी कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ज़रूर। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे मिजोरम एफए ने फिर से एक बार यहाँ पे बेहतरीन काम किया है एंड एज फ्रॉड के अगेंस्ट एक बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ गाइज, मिजोरम एफए हम सबको बताए कि जिस तरह का उनका टेट्रा हमार के अंदर आई थिंक जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पे लीक होती है, जिस तरह से सारा सेटअप चल रहा है, वन ऑफ दी आइडियल स्टेट की जिसको यहाँ पे बाकी स्टेट अफेयर्स यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकते हैं अपने स्टेट अफेयर्स में, यहाँ पे इस सारी चीज़ों को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं टू यू कैन से कि आपके वहाँ पे फुटबॉल को यहाँ पे डेवलप करने के लिए। उसमें यहाँ पे एस फ्रॉड के अगेंस्ट उन्होंने यहाँ पे जो एमनेस्टी यहाँ पे स्कीम है उसको इंप्लीमेंट कर दिया है। उन्होंने यहाँ पे एक उनके जितने भी यहाँ पे स्टेट के प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है कि आप नेक्स्ट 1 ईयर में यहाँ पे आप अपना जो एज वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे थ्रू गवर्नमेंट बर्थ सर्टिफिकेट जो कि भी ऑनलाइन जनरेट हुआ है वो उसके थ्रू आप यहाँ पे क्लेरिफाई करवाइए, एंड यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सीक्रेट रखी जाएगी। उन्होंने यहाँ पे BCCI एंड बैडमिंटन का भी एग्जांपल दिया कि उन्होंने भी इसी तरह से स्कीम को यहाँ पे लागू किया था, एंड दैट्स अ ग्रेट स्टेप अगेंस्ट एज फ्रॉड बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रूट कॉज ऑफ इंडियन फुटबॉल्स डेवलपमेंट। अगर हम कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात खा रहे हैं तो उसका वन ऑफ द रीज़न ये एज फ्रॉड है, एंड इसके बारे में यहाँ पे बढ़ चढ़ के इतनी बातें नहीं होती। यहाँ पे जो सो कॉल्ड हमारे हीरोज़ हैं यहाँ पे उनकी ओर से भी होनी चाहिए बात, क्योंकि इससे हमारा जो फुटबॉल का डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते कि रुक जाता है या फिर वो उतनी तरीके से यहाँ पे बढ़ नहीं पाता है। सो मिजोरम एफए की ओर से यहाँ पे एक ग्रेट इनिशिएटिव लिया गया है, एंड उन्होंने एक चीज़ इंटरेस्टिंग वहाँ पे ये भी बोले कि हमने जब ईटानगर में यहाँ पे मार्च में जो क्या बोलते कि AGM हुई थी उसमें भी हमने इस मैटर को रखा था कि यहाँ पे इसको AIFF को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहिए, बट AIFF की ओर से अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई यहाँ पे क्या बोलते कि स्टेप नहीं लिया गया है। लेट होप सो AIFF क्लब्स एकेडमीज सब मिलके यहाँ पे एज फ्रॉड के अगेंस्ट एक यहाँ पे जुम्बेस एक यहाँ पे क्या बोलते कैंपेन चलाए ताकि यहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट है वो वाइडर इम्पैक्ट हो, एंड हम यहाँ पे 80-90% जो एज फ्रॉड है उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रेक्टिफाई करके यहाँ पे इसको हम निकाल पाए ताकि हमारी जो फुटबॉल डेवलपमेंट है और ज़्यादा रैपिड पेस पे हो पाए। मेरा तो यही यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक होप रहेगी। लेट मी नो गाइस आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइस ट्रांसफर्स के बारे में, एंड वहाँ पे भाई मोहम्मदन एससी ने भाई एक अफ्रीकन 26-year-old स्ट्राइकर यहाँ पे लेजार को भी मेजोकी को साइन किया है, एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग साइनिंग बिकॉज डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीकन के लिए यहाँ पे वो खेल चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसके लिए यहाँ पे चाइनीज सुपर लीग में भी वो खेल रहे थे। सो अफ्रीकन स्ट्राइकर हमें काफ़ी कम देखने को मिलते हैं यहाँ पे क्या बोलते कि ISL में, देर आर फ्यू अफ्रीकन स्ट्राइकर, बट एक फिजिकलिटी और जिस तरह से उनकी वो कैपेबिलिटीज़ वो लेके आते हैं आई थिंक उससे एक इंटरेस्टिंग सिनारियो बनता है। सो दैट्स अ वेरी गुड साइनिंग फ्रॉम दी मोहम्मदन एससी। दूसरी साइड मुंबई सिटी एफसी ने यहाँ पे भाई अपुया का जो डिपार्चर है उसको भी यहाँ पे उन्होंने ऑफिशियल कर दिया है, एंड अपुया भी यहाँ पे कोलकाता पहुँच चुके हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक दो दिन में उसका ऑफिशियल क्या बोलते कि अनाउंसमेंट मोहन बगान की ओर से भी हो जाएगा। मुंबई सिटी ने तो कर ही दिया है, एंड उसका रिप्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट उन्होंने यहाँ पे क्या बोलते कि ढूंढ लिया है, बट यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट उनकी ओर से हो चुका है। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे ओप्टा जो एनालिस्ट करके एक एजेंसी है उन्होंने यहाँ पे जो एशिया की सारी लीग्स है यहाँ पे उनका रैंकिंग निकाला है, एंड उसमें यहाँ पे भी ISL का रैंकिंग है 22। ये रैंकिंग यहाँ पे जो भी
क्लब यहाँ पे इस सीजन क्या बोलते हैं कि ACL यानी कि AFC के जो टूर्नामेंट है ACL SCL 2 एंड चैलेंज लीग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका जो एवरेज पॉइंट है यहाँ पे लीग में अपनी लीग में उसके बेसिस पे है। तो यानी कि इंडिया का रैंकिंग यहाँ पे ऑब्वियसली मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल की जो एवरेज पॉइंट्स मिले हैं उसके बेसिस पे, इसलिए थोड़ा सा मेरे को लगता है कि 22 है। अदरवाइज आई थिंक ISL का रैंकिंग मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे अप हो सकता है अगर मान लीजिए कि मुंबई सिटी एंड मोहन बगान होता, क्योंकि ईस्ट बंगाल का ISL में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक ये रैंकिंग कहना कि नीचे, अदरवाइज थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। बट ऑब्वियसली ISL को हमें अब यहाँ पे नेक्स्ट 10 ईयर्स में ऐसा प्लान करना पड़ेगा कि हम कैसे यहाँ पे एशिया की टॉप 5 लीग में या फिर टॉप 10 लीग में एटलीस्ट यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अपना जो कॉम्पिटिटिवनेस वाइज या फिर प्लेयरों की क्वालिटी वाइज हम यहाँ पे पहुँच पाए। उसके लिए आपको इंडियन प्लेयरों की क्वालिटी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इंप्रूव करनी पड़ेगी। लास्ट में बात करते हैं गाइज, यहाँ पे आइजोल एफसी ने क्लब के 40th यहाँ पे एनिवर्सरी के ऊपर एक स्पेशल किट निकाला है क्लब का, एंड जो कि इस सीजन यहाँ पे टीम पहनेगी, एंड बेहतरीन किट है भाई, दैट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल किट। एंड हम सबको पता है कि यहाँ पे हमें इस तरह के जो ब्यूटीफुल किट है वो काफ़ी कम ISL क्लब्स या फिर नेशनल टीम के भी जो जर्सीज आते हैं उसमें रिसेंटली हमें देखने को मिले। सो आई थिंक डेफिनेटली ISL FC को इस किट को यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या बोलते हैं कि स्टोर्स पे एंड ऑनलाइन अवेलेबल करना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ ब्यूटीफुल किट, एंड अगर मैं तो डेफिनेटली इसको ट्राई करूंगा कि परचेस करने की। लेट मी नो गाइस आप इसको आउट ऑफ 10 कितना रेट करते हो, आई विल गिव दिस 8.5, आपकी क्या रेटिंग है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग गाइस टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्यूरियस सरी, जय हिंद जय भारत।